Today we start practice set 3.2, question number 7. What does the question number 7 say? Draw the graph of equation x minus 1 plus 1 is equal to 0. आपको graph draw करना है किसका? X minus y plus 1 is equal to 0. X minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12. Another graph इसका draw करना है. Determine the coordinate of vertices of triangle. When these two graphs are intersect each other, जब दोनों एक को intersect हो गए, उससे क्या तैयार होगा? Triangle तैयार होगा. उसकी vertices बनाना है. Find out करना है. इसके साथ में with x axis and shade the triangular region. Problem ध्यान में आ गया. दो आपको equation दिए हैं. दोनों equation से आप क्या करेंगे? दो ग्राफ लाइन ड्रॉ होगी. दो लाइन ड्रॉ होने के बाद में ट्रायंगल तैयार होगा. इसके साथ में एक्स एक्सिस के साथ में दीज आर द टू लाइंस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. और उसके बाद में उस ट्रायंगुलर रीजन को आपको क्या करना है? शेडेड करना है. स्टार्ट. प्रिपेयर द टेबल फॉर दिस. एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में चलेंगे दिस वाई हो गया प्लस दिस वाई माइनस वन. ओके देन प्रिपेयर द टेबल फॉर दिस एक्स वाई एक्स वाई. टेक द वैल्यूज सच दैट दे आर विद इन योर रेंज. अपने रेंज में होना चाहिए. अपने रेंज में यानी ग्राफ के पेपर के रेंज में होना चाहिए. पुट वैल्यू पर ऐसे वैल्यू लीजिए जो आपको ड्रॉ करने में थोड़ा इजी है. क्या ले रहा है जो आपने लिए पहले वन तो एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन कितना हो गया जीरो. पॉइंट इज वन जीरो. फिर आपने लिया एक्स इज इक्वल टू आपने का इक्वल भी वाई वन लिए तो वन माइनस वन कितना हो गया जीरो. ओके तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका जीरो वन. फिर इसके लिए लेते आप फाइव इसके लिए लेते थ्री. ओके तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन. ओके क्या है वाई कितना लिया आपने फाइव. फाइव माइनस वन फोर. पॉइंट इज फोर फाइव. देन एक्स इज इक्वल टू थ्री दैट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू दैट इज टू थ्री. ओके दिस इज द टेबल फॉर दिस ग्राफ. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड गिव द नेम. यदि आपको चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं. नहीं दिया तो चलेगा. गलत नहीं होगा. ठीक है ये काय के लिए हो गया. फर्स्ट ये जो आपको इक्वेशन दिया था एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अब सेकंड क्या चेक करो. थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो. ओके यू आर प्रिपेयर हियर टू हेल्प ऑफ. चाहे आप वाई के लिए बना सकते हैं एक्स के लिए बना सकते हैं. तो वाई के लिए बना तो क्या लेना ट्वाइस वाई इज इक्वल टू थ्री वाई ट्वेल्व. उधर जाके साइड चेंज प्लस टू थ्री एक्स साइड चेंज माइनस ट्वाइस एक्स. तो वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस ट्वाइस एक्स बाय टू. टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक्स वाई आप एक्स वाई की वैल्यू लेते जा रहे हैं. टेबल बनाना है आपको. ओके यू शुड ड्रॉ द टेबल फॉर दैट. दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स वाई. देन व्हिच आर द वैल्यूज सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स. फर्स्ट वी सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ जीरो. आप जीरो वैल्यू सिलेक्ट करें तो वाई की वैल्यू क्या चेक कीजिए. वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू जीरो बाय टू. ट्वेल्व माइनस एनीथिंग थ्री इंटू जीरो जीरो बाय टू दैट इज ट्वेल्व बाय टू इज इक्वल टू सिक्स. पॉइंट इज जीरो सिक्स. ओके देन क्या वैल्यू ले रहे आप ले लीजिए. क्या ले रहे हैं समझो फोर ले लिया. एक्स की वैल्यू फोर तो चलेगा. वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू फोर बाय टू. देन ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अपॉन टू दैट इज जीरो बाय टू इज इक्वल टू जीरो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज फोर जीरो. ओके देन वाई इज इक्वल टू एक आधे वैल्यू ऐसे लीजिए कि इसमें से एक आध आ जाए तो कैसे हो जाए टू थ्री आए. मैंने चेक करो यहाँ पर टू एंड यहाँ पे अपन ले लीजिए जो एक्स इज इक्वल टू टू लेते तो क्या होता है. देखिए एक्स इज इक्वल टू टू ले लीजिए तो क्या हो जाएगा. वाई इज इक्वल टू क्या होगा चेक कीजिए. ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू टू बाय टू. ओके ट्वेल्व माइनस थ्री टू ज़ा
6 by 2. 12 minus 6, 6 by 2, that is 3. ओके ये ऐसे क्यों लेना है अपने को हेलो, इसके से आपको पता चल जाता है कि आपका सॉल्यूशन क्या है ना, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, 2 3 2 3, दोनों में क्या है कॉमन पॉइंट, ये आपका हो गया ट्री, है ना। फिर आप क्या करोगे, यू शुड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ देम, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, यू शुड ड्रॉ द ग्राफ ऑन दिस एंड टेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके। थोड़ा सा अंदाजे कर भी लेते आप, आपके ग्राफ पे एकदम एग्जैक्ट आएगा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, देन 1 2 3 4 5 6, ओके, हियर -1 -2 -3 -4 -5 -6, हियर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। देन फर्स्ट व्हाट इज देयर, 0 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, पॉइंट इज हियर, यदि चाहे तो उसको नाम दे सकते हैं, मैंने आपको बोला था उसे आपने नाम दे दिया, इसको ए बी सी डी ई एफ, इट इज डिपेंड अपॉन यू, ओके, दैट नेम ऑफ पॉइंट इज कोई ए, सेकंड 4 5, वैल्यू ऑफ एक्स इज 4, वाई इज 5, ओके, दिस इज आपको इधर आ जाएगा और ये इधर, ओके, दिस इज कैन मेजर देम, दिस इज पॉइंट, दिस पॉइंट पॉइंट इज नेम बी, 4 5, 7 इज 2 3, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, ओके, देन वाई इज इक्वल टू 3, नेम ऑफ द पॉइंट इज सी, पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर, सबसे रिसीवर कंडीशन क्या होती है अपनी, पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर योर टेबल इज करेक्ट और यू विल बी गो करेक्ट वे, यदि आपका टेबल ग्राफ कोलिनियर आ रहा है तो समझ लेना कि आप बराबर आ रहे हैं, आपका आंसर बराबर आ रहा है, आएगा इक्वेशन हो गया आपका एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, ओके, सेकंड टेबल 0 6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, ए बी सी कॉर्डिनेट डी, ओके, 4 0, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, नेम आपने किया था इसको ई, 4 0, इसको कॉमन पॉइंट आया, इसको अगर नाम दे दिया आपने क्या, अगेन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, पॉइंट्स आपके कोलिनियर आ गए हैं, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, इसको तो ना है, इसको तो सी भी आ गया था इधर से, ई पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या थे 2 3, करस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट 2 एंड दिस इज 3, ट्रायंगल तैयार हो गया, क्या पूछा था, फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, ना ट्रायंगल तैयार हो गया, इस ट्रायंगल को आपने नाम दे दिया, दिस इज द ग्राफ फॉर, ये कौन सी लाइन का ग्राफ था अपना, सेकंड लाइन इज दैट इज 3x + 2y - 12 = 0, ओके, ये हो गया आपका ग्राफ इस लाइन इज इक्वल टू 0, देन वेयर द ट्रायंगल फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सी, इसको एक अलग नाम दे दीजिए, देना पड़ेगा आपको नाम, ओके, और ये सी ए बी सी डी ई, इसको क्या नाम दिया था भैया, इसको नाम दे देता हूँ मैं जी, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सी जी ई, सी जी ई, ओके, आर
सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या चेक करो, 2 3, जी, जी का कोऑर्डिनेट क्या है ना, -1 0, और ई का कोऑर्डिनेट 4 0। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट होगा ट्रायंगल तैयार होगा, फिर व्हाट इज दिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन, अब ट्रायंगल का रीजन को आप क्या कर लीजिए, शेड कर लीजिए, खाते इसको शेडेड कर लीजिए, दिस इज योर शेडेड पोर्शन ऑफ दिस, आपने इसको थोड़ा शेडेड कर दिया, ठीक है, दैट ट्रायंगल इज शोन बाय शेडेड रीजन इन फिगर, फिगर में अपन ने इसको पैसा दिखाया है, शेडेड पोर्शन में दिखाया हुआ है, आपको सपोर्ट ट्रायंगल आपका ये, दिस इज योर ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री पैरेलल, सॉरी टू लाइंस एंड विद एक्स एक्सिस, टू लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ में आपका ट्रायंगल तैयार हुआ, ई जी सी जी ई, इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया, प्रॉब्लम समझ गया आपको, अलग बस क्या किया आपने, थोड़ा सा फिर से ड्रॉ द ग्राफ, आपने दोनों लाइन के ग्राफ बनाए, एक ग्राफ था आपका x - y + 1 = 0, दूसरा ग्राफ था आपका 3x + 2y - 1 = 0, दोनों ग्राफ से आपने दो टेबल बना लिए, टेबल बनाने के बाद में आपने क्या किया, उसका एक x - y की स्ट्रेट लाइन है, दूसरा इसकी 3x + 2y देन वो था इंटरसेक्ट x एक्सिस, यहां पर x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन होने के बाद में क्या हो गया, आफ्टर इंटरसेक्शन द ट्रायंगल इज फॉर्म, द ट्रायंगल इज शोन बाय द शेडेड रीजन, हियर वी कंप्लीट द एक्सरसाइज, यहां पर का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 3.2 रिमेनिंग एक्सरसाइज, कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर, ओके बाय।